हेलो एवरी वन वेलकम टू टूडे सेशन आई एम काजोल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनडेम्यूनिटी तो अब इसके प्रीवियस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनडेम्यूनिटी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम ताकि हमें आगे इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टड तो अब यहाँ पे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी देखेंगे फिर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे डिफरेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी से और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस डिस्कस करते हैं तो उस डिफरेंस का बेसिस मेंशन करना इम्पॉर्टेंट होता है कि किस बेसिस पे हम दो टर्म्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे बेसिस ले रहे हैं नंबर ऑफ़ पार्टीज़ इन्वॉल्व कि कितनी नंबर ऑफ़ पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में दो ही पार्टीज़ होती हैं टू पार्टीज़ इन्वॉल्व इंडेमिनीफायर एंड इनडेमिनीफाइड मतलब जो इन प्रोवाइड करता है एक वो पर्सन होता है और जिसको इनडेमनीफाई किया जाता है जिस पर्सन को लॉसेस से प्रोटेक्ट किया जाता है उसको हम इनडेमिफाइड बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनडेम्युनिटी में यहाँ पर दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इनडेमिफायर और इनडेमनीफाइड जिसको हम इन होल्डर भी बोलते हैं और अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने देखा था कि यहाँ पर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कौन सी वो तीन पार्टीज़ एक शोरिटी एक क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर तो यहाँ पे तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और तीनों का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्री कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर थ्री पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं तो अब नेक्स्ट बेसिस देखते हैं तो नेक्स्ट बेसिस है यहाँ पर पर्पज़ के बेसिस पर कैसे डिफरेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी तो अब पहले पर्पज़ ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्यूनिटी है कि फॉर प्रोटेक्टिंग द इनडम्यूनिटी होल्डर फ्रॉम एंटिसिपेटेड लॉसेज तो अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्यूनिटी है वो इसीलिए फॉर्म किया जाता है ताकि हम जो भी इनडम्यूनिटी होल्डर है इनडेमिफाइड है उसको हम लॉसेस से प्रोटेक्ट कर पाएँ उसके लॉसेस को बाद में रीइम्बर्स कर दें तो इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़ इंडेमिनिटी जो है वो फॉर्म करते हैं ताकि हम इंडेमिनिटी होल्डर के जो लॉसेज उससे जो है वो सेव कर पाएँ लेकिन अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्यों फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या पर्पज़ है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डेट मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ही एज सिक्योरिटी रख देते हैं हम किसी भी क्रेडिटर के पास अब वो जो सिक्योरिटी है वो किसी डेट के अगेंस्ट भी हो सकती है गुड्स ऑन क्रेडिट लिया है तो उसके अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है और एम्प्लॉयमेंट में अगर गुड बिहेवियर के लिए हमें किसी पर्सन की लेनी है गारंटी तो ऐसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो फॉर्म हो सकता है तो अब ये तीनों कंडीशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि यहाँ पर लोन के लिए भी डेट के लिए भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए भी हो सकता है और फॉर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है तो अब नेक्स्ट बेसिस क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की कितने नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडेमिनिटी होल्डर और इन के बीच में होता है तो यहां पर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है और वो दोनों पार्टी दो ही पार्टीज़ यहाँ पर अगर हैं तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा जिसमें दो पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी क्योंकि एक सिंगल पार्टी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यहाँ पर थ्री सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन डिस्कस करते वक्त हम देख चुके हैं कि यहाँ पर थ्री सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं तो अब यहाँ पे थ्री पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर एंड शोरिटी जिसको हमने यहाँ पे ए बी एन सी लिया है तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रेडिटर और डेटर के बीच में होगा तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है तो ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में होता है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और थ्री ही सेपरेट पार्टीज़ होती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन में दो ही पार्टीज़ होती हैं और एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस है काइंड ऑफ लाइबिलिटी कि किस तरह की लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज़ होती है So indemnifiers liability is primary. तो जो इंडेमनी फायर है उसकी लाइबिलिटी जो है वो प्राइमरी होती है ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो पहले वो किसी और की होगी और सेकेंडरी लाइबिलिटी होगी यहाँ पे इंडेमनी फायर की तो इस केस में ऐसा नहीं होता यहाँ पे जो प्राइमरी लाइबिलिटी है मतलब पहली जो लाइबिलिटी आएगी वो यहाँ पे इन फायर की ही होगी इसी को वो लाइबिलिटीज जो हैं वो पे ऑफ करनी पड़ेंगी तो यहाँ पर सोल लाइबिलिटी होती है इंडेमनी फायर की तो उसको हम प्राइमरी लाइबिलिटी बोलते हैं कि यहाँ पर इंडेमनीफायर ही लायबल होगा पहले ही प्राइमरीली ही इंडेमनीफायर यहाँ पे लायबल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में ऐसा नहीं होता यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी होती है और कंटेंजेंट होती है अब सेकेंडरी लाइबिलिटी क्यों क्योंकि जो प्राइमरी लाइबिलिटी यहाँ पे होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है पहले प्रिंसिपल डेटर यहाँ पे लाइबल होता है उसके बाद यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी अरइज़ होती है जिसको हम सेकेंडरी लाइबिलिटी बोलते हैं और कंटेंजेंट लाइबिलिटी कैसे ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंटेंजेंट लाइबिलिटी का मतलब है कि जब यहाँ पर अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा सिर्फ तभी जो है वो श्योरिटी की लाइबिलिटी अरइज़ होगी इसीलिए हम इसको कंटेंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं कि अब एक अनसर्टेन सिचुएशन के ऊपर ये बेस्ड है कि यहाँ पर अगर जो प्रिंसिपल डेटर है वो अगर फ्यूचर में डिफॉल्ट करेगा तभी यहाँ पर जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी अराइज़ होगी इसीलिए हम श्योरिटी की लाइबिलिटी को सेकेंडरी लाइबिलटी या फिर कंटेंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं तो अब यहाँ पर नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिक्वेस्ट बाय डेटर कि डेटर की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के केस में इंडेमिनिफायर एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ डेटर मतलब यहाँ पर जो इंडेमिनिफायर है वो बिना, बिना डेटर की रिक्वेस्ट पर ही एक्ट करेगा बिना डेटर के रिक्वेस्ट करे ही उसको यहाँ पर एक्ट करना पड़ेगा वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी रिक्वेस्ट से कि जब डेटर रिक्वेस्ट करेगा तभी यहाँ पर इंडेमनीफायर एक्ट करेगा तो ऐसा नहीं होता इस केस में क्योंकि यहाँ पर इंडेमनीफायर जो है उसकी लाइबिलिटी ही प्राइमरी है तो पहले ही उसको स्टेप इन करना पड़ेगा लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में ऐसा नहीं होता यहाँ पे जो श्योरिटी है वो तभी एक्ट करता है जब डेटर उसको बोलता है जब प्रिंसिपल डेटर ऐसा बोलेगा कि अब हमसे पे नहीं किया जा रहा अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तभी यहाँ पर जो है वो श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है तो इसीलिए यहाँ पर डेटर की रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पर श्योरिटी जो है वो एक्ट करेगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होता यहाँ पर एक्ट करने के लिए वो डिपेंडेंट होगा डेटर पर जब डेटर उसको बोलेगा एक्ट करने के लिए वो तभी आगे एक्ट आग करेगा लेकिन यहाँ पर इनडेम्यफायर के केस में ऐसा नहीं होता जो इंडेम्यफायर है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्ट करने के लिए तो अब यहाँ पे सिक्स बेसिस ऑफ डिफरेंस है एग्जिस्टिंग डेट कि पहले से ही कोई डेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्या तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्यूनिटी के, के केस में नो एग्जिस्टिंग डेट्स पहले के कोई भी डेट्स यहाँ पर नहीं होते इन होल्डर है उसकी तरफ से तो एग्जिस्टिंग डेट्स यहाँ पर नहीं होते जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्यूनिटी फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्यूनिटी के केस के में ऐसा नहीं होता यहाँ पे प्री एग्जिस्टेंट कोई डेट यहाँ पर नहीं होता लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में यहाँ पर देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग डेट अगेंस्ट विच द गारंटी इज़ गिवन तो एग्जिस्टेंट डेट के अगेंस्ट ही वो गारंटी दी जाती है तो यहाँ पर एक डेट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होता है जैसे हमने इस केस में देखा कि यहाँ पर ये यह जो डेट है ये प्री एग्जिस्टेंट है इस गारंटी के ऊपर जो श्योरिटी यहाँ पर दे रहा है तो ये एक प्री एग्जिस्टेंट डेट के अगेंस्ट ही गारंटी दी जाती है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में एक प्री एग्जिस्टेंट डेट होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के केस में कोई भी प्री एग्जिस्टेंट डेट यहाँ पर नहीं होता तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर राइट टू सू कि मतलब किस पार्टी के पास यहाँ पर राइट right है कि वो दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है या फिर कोई सूट फाइल उसके अगेंस्ट कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के केस में इनडेमिफायर कांट सू द थर्ड पार्टी तो इनडेमिफायर यहाँ पे थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता ऐसा क्यों फॉर हिज ओन लॉस मतलब इंडमनीफायर के जो खुद के लॉसेज हुए उसे वो उसके लिए थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता अब ऐसा क्यों है क्योंकि प्राइविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर जो है वो केस फाइल नहीं कर सकती इसीलिए यहाँ पर जो इन है उसे हम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते और इसीलिए वो अपने लॉसेस के लिए किसी भी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती उस पर केस फाइल नहीं कर पाएगी लेकिन अब यही जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसके केस में क्या होता है श्योरिटी आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट मतलब कि यहाँ पर जो श्योरिटी है वो डेट को डिस्चार्ज करने के बाद डेट डिस्चार्ज कब होगा जब सी जो है यहाँ पर जो कि श्योरिटी है वो पे ऑफ कर देगा ए को किसके बिहाफ पर बी के बिहाफ पर तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर उसने जो डेट है वो डिस्चार्ज कर दिए हैं तो अब ये क्या कह रहा है कि श्योरिटी ऑफ डिस्चार्जिंग द डेट मतलब जो श्योरिटी है वो डेट को डिस्चार्ज करने के बाद पेमेंट करने के बाद जो है कैन सू द प्रिंसिपल डेटर उसके बाद वो प्रिंसिपल डेटर को जो है वो सू कर सकता है अगर प्रिंसिपल डेटर बाद में पेमेंट नहीं करता है श्योरिटी को तो मतलब पहले यहाँ पर श्योरिटी को सू करने के लिए उसको पहले अपनी खुद की जो लाइबिलिटी है जो उसको ए को पे ऑफ़ करनी है वो पहले उनको डिस्चार्ज करेगा और उसके बाद अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटीज पूरी नहीं करता है और श्योरिटी को उसका अमाउंट जो है वो वापस नहीं देता है तो उस केस में फिर सी जो कि श्योरिटी है यहाँ पर वो फिर प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस फाइल कर सकता है जो भी लॉसेज उसको हुए हैं उसके अगेंस्ट तो यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पर थ्री पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए यहाँ पर जो प्रियोटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉयलेट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन यहाँ पर इन के, के केस में ऐसा नहीं होता इन जो है वो यहाँ पर पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन यहाँ पर श्योरिटी जो है वो पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है इसीलिए वो केस फाइल कर सकता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने प्रिंसिपल डेटर के साथ किया है उसके अगेंस्ट तो यही बेसिक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में सो आई होप अब आप इन दोनों टर्म्स को कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेपरेट हैं और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी जो है वो आ सकता है ये इंक्लूड कर सकता है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो श्योरिटी है वो इन क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से तो प्रिंसिपल डेटर यहाँ पे इनडेमिफाई करता है शोरिटी को तो ये एक सेपरेट डिफरेंस है और ये जो सेवन डिफरेंसेस हैं ये बेसिक डिफरेंसेस हैं तो आई होप अब आप इन डिफरेंसिस को समझ गए होंगे तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू